डीटी बस द्वारा, बस द्वारा जिस बस में मैं ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था, उस बस द्वारा मेरा पैर कटा है। सिविल डिफेंस का ना तो डीटीसी द्वारा किसी द्वारा मतलब कोई अधिकारी मुझे मिलने नहीं आ रहा है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है आगे। मैंने इनको बताया कि इनका पैर कट गया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और ऑन ड्यूटी हुआ है, तो उनके जो आगे लोग खड़े थे उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ तो लोग मर जाते हैं, तुम्हारा भाई का सिर्फ पैर कटा है, जो सारा खर्चा किया है वो हमने कर्जे ले लेके किया, जितना खर्चा अब तक कर रहे हैं और जो आगे होगा सब कुछ हमारा ऐसे चल रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल रही, मतलब वो ऑन ड्यूटी काम कर, ऑन ड्यूटी सब कुछ हुआ। जिस राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, गरीबी को लेकर, क्या वाकई में जो है उस तर्ज पर दिल्ली के अंदर काम हो रहा है? दिल्ली सरकार कहती है कि हमने दिल्ली वालों को डीटीसी इतनी दे दी, लोगों को जो है आने जाने की सुविधा दे दी और बसों के अंदर जो है मार्शल तैनात कर दिए हैं, लेकिन अगर उस मार्शल को कुछ हो जाए तो उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है, अगर उसे कुछ होता है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सबसे बड़ा कलंक है दिल्ली सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर और तमाम उनके अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक बार तस्वीर दिखाइए, ये सामने हमारे बेड पे लेटे हुए एक युवक है, ये तस्वीर देखिए कि ये जो है सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं और ये डीटीसी के एक बस में मौजूद थे, उस वक्त जो है जो काम कंडक्टर का होता है वो काम जो है इनसे करवाया गया और लिहाजा यही हुआ कि ड्राइवर की गलती की वजह से जो है इन्हें अपनी पैर गंवानी पड़ी। और तस्वीर दिखाइए, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज जो है एक महीना हो गए लेकिन अभी तक जो है ना ही तो कोई डीटीसी का अधिकारी इनसे सूझबूझ लेने वाला है, ना ही तो सिविल डिफेंस का कोई कर्मचारी इनसे मिलने आया। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि कितनी बड़ी ये घटना इनके साथ घटी और अभी तक जो है कोई मिलने नहीं आया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भारत नागपाल है। भारत जी ये बताइए, ये आपका पाँव कटा है, कैसे कटा, कहाँ पर कटा? सर ये बुराड़ी के बुराड़ी का इब्राहिमपुर एरिया है, वहाँ मेरा पैर कटा है, वहाँ डीटी बस द्वारा जिस बस में मैं ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था, उस बस द्वारा मेरा पैर कटा है। ये बस का ड्राइवर ने साइड मिरर ना देखे बिना स्टीयरिंग काट दिया पूरा का पूरा, उस दौरान मेरा पैर पूरा वहीं कुचल गया था। एक बात बताइए, क्या ये आपका काम है बस को आगे करवाना पीछे करवाना? सर मेरा काम नहीं है, मगर ड्राइवर के फोर्सली कहने पर मतलब जबरदस्ती करने पर मैं बस से उतरा हूँ, उसी दौरान मेरे साथ ये हादसा हुआ है मेरे साथ में। अगर ड्राइवर ने फोर्सली ना कहा, मेरी बात मानी होती, वहाँ से बस ना घुमाई होती, शायद आज मेरा पैर बच गया होता। भरत आपकी उम्र कितनी होगी? सर मेरी उम्र 27 साल उम्र है मेरी। 27 साल, हाँ जी। ये देखिए महज 27 साल के उम्र में जो है एक युवक जो घर चलाता है, अपने परिवार को देखता है, उसे जो है अपनी पैर गंवानी पड़ी। एक बात बताइए, इसके बाद जो है जब आपके ये पैर पे गाड़ी चढ़ गई, आज एक महीने हो गए, कोई अभी तक आपसे सिविल डिफेंस का या फिर डीटीसी का कोई भी मिलने आया? सर कोई अधिकारी, कोई सुधबूझ लेने भी नहीं आया मेरी, मतलब कि कोई एक फ़ोन द्वारा भी मुझे संपर्क करता तो मिलना तो दूर की बात है, फ़ोन द्वारा भी संपर्क नहीं किया गया, ना सिविल डिफेंस का, ना तो डीटीसी द्वारा किसी द्वारा मतलब कोई अधिकारी मुझे मिलने नहीं आ रहा है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है आगे, कोई सुनवाई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे माँ बाप इतना परेशान है इस चीज़ को लेके, मतलब मेरा इतना पैसा लग रहा है मेरे पैर मेरे इसके ऊपर, मेरे माँ बाप कर्जा लेके काम कर रहे हैं। आपको जो है मेडिकल की सुविधा उनके तरफ से प्रोवाइड की गई? सर कोई सुविधा मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, और कोई सुविधा प्राप्त नहीं, प्रावधान नहीं है हमारे में, ना दिया गया है सर, कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है सर मेरे को, कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। तस्वीर दिखाइए, ये दिखाइए इनका पाँव जो है किस तरह से ये एक पूरा फ्रैक्चर हो गया, हालांकि ये पूरा पाँव जो है काटना पड़ा। दूसरी पाँव दिखाइए, ये देखिए, और महज 27 वर्ष की उम्र में जो है इन्हें ये अब लाठी और डंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। जरा सोचिए कि जो सरकार उपचार को लेकर वादे करती है, वो सुरक्षा तो देते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं कि बसों में जो है पॉकेट मार हो, चाहे वो झपट मार हो, उनसे बचाने के लिए मार्शल तैनात कर दिए, लेकिन जब मार्शल पर संकट आएगी, अगर वो सिविल डिफेंस का जवान होगा उस पर संकट आएगी तो उसको जो है कौन बचाएगा? आखिर जो है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इनकी बहन भी है, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है पूरे एक महीने
दर बदर इस दिल्ली सरकार के सिस्टम के पीछे भागा, लेकिन अभी तक जो है कोई भी काम में वो सफल नहीं है। अभी तक उन्हें ना जो है ना में ही जवाब मिला है। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, ये बताइए जब इनके साथ ये हादसा हुआ उसके बाद से आपका क्या रिएक्शन था? मेरे घर में जो मेन जो कमाने वाला था वो भैया ही थे। उसके बाद में जब ऐसा हादसा वगैरह हुआ तो पहले तो पैसे की प्रॉब्लम, कि मेरे पापा मम्मी इतने नहीं, उनको पता था क्या करना है क्या नहीं करना, ऑब्वियसली पेरेंट्स को देख के ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद मेरे पास कुछ आ गया कि पैसे का इंतजाम भी करना है और भाई के इतना जो उसका बुरा हाल था वो भी। दूसरी चीज़, जब मुझे बाद में थोड़ा होश आया कि अब मुझे पुलिस कंप्लेंट वगैरह करनी चाहिए, तो जब मैंने अपने थाने में भागी, बुराड़ी थाने में मेरी MLC कटी हुई थी बुराड़ी थाने से, तो वहाँ पे मुझे नंबर दिया गया IO का, जो कि है भारती सिंह। उनसे मुझे कहा गया कि वो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, आप नंबर लो और उनसे फ़ोन पे बात कर लेना जब वो फ्री होंगी। मैंने फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर कुछ घंटे बाद उनका खुद का फ़ोन आया, उन्हें मैंने बताया कि ऐसी बात चल रही है, ये चीज़ प्रॉब्लम हुई है एटसेट्रा। पहले तो कहती है कि आपका इतना हो गया हमें तो पता ही नहीं है एटसेट्रा। फिर पहले मैं देखूंगी ये केस हमारे थाने का है या नहीं है। मैंने कहा मैम MLC आपके थाने भी कटी हुई है तो ऑब्वियसली आपका ही होगा ना, अगर आप हमारी आई हो तो। पहले मैं देखूंगी, देन वो एक दो दिन तो ऐसे निकल गए फालतू के। थर्ड डे मैंने फ़ोन किया, मैम आपने चेक कर लिया कि तुम्हारे थाने का है या नहीं है, फिर आप मेरे भाई का बयान लेने के लिए आओ। मैं बयान लेने आऊँगी, हाँ शाम को आऊँगी, और पहले आप डॉक्टर से पता करो कि वो बयान देने की हालत में है या नहीं। मैंने कहा वो उस दिन से ही होश के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी डॉक्टर से बात करवाओ फिर मैं आऊँगी। मैं जहांगीरपुरी से अपोलो गई हूँ स्पेशली सिर्फ ये बात कन्फर्म करने के लिए कि भाई होश में है, डॉक्टर से बात करवाने के लिए। वहाँ जाके मैंने फ़ोन किया, फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं करती, कभी नहीं करती। वो दो तीन घंटे बाद फ़ोन करती है, फिर मैंने फ़ोन किया, बार बार फ़ोन कर रही हूँ, आपके जो तमीज़ नहीं है, मैं कोर्ट में हूँ, मैं बात नहीं कर सकती अभी। अच्छा। मैंने कहा मैम डॉक्टर सामने खड़े हैं, मुझे गुस्सा कर रहे हैं कि उन्होंने टाइम दिया मुझे अपना, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर एक दो घंटे बाद फ़ोन करती हैं, मैंने फ़ोन किया दोबारा, मैंने कहा मैम बात कर लो डॉक्टर से, देन डॉक्टर ने कहा कि वो होश में है आप आ सकते हैं, मैं सुबह आऊँगी। सुबह वेट किया, सुबह कोई नहीं आई। फिर देन मैंने फ़ोन किया, अभी मैं बिजी हूँ, तुम अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। मैंने कहा मैम मेरी आपसे बात कब हुई इस केस को लेकर? कहते हैं कि जो MLC पे नंबर था, शायद कंडक्टर का नंबर था, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ भाई का आपके पैर मुड़ा है टच होके बस से। अच्छा। तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरा भाई का पैर कट गया है। हाँ। ये चीज़ इतना रूट कि नहीं, मुझे कल मतलब मिलने नहीं आई। हाँ। देखने नहीं आई, लेकिन वो फोन पे सब आपको बता। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की, तो उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली कि आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। मैं स्टेटमेंट क्यों चेंज करूंगी? और दिक्कत ये थी कि मतलब मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों के अंदर, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, तो थोड़ा डर भी था कि कैसे बात करनी है क्या नहीं करना। अब पता चला है कि ये जो लोग हैं IO पुलिस, ये हमारे लिए ही काम कर रही हैं, इनकी हम पे जोर नहीं चलाएंगे, हम इन पे जोर चलाएंगे अपना। तो बस ये सब बात हुई, देन फिर कह रही मैं आऊँगी, हाँ देखती हूँ, कल आती हूँ, शाम को आती हूँ। फिर मैंने गूगल से निकाल के वहाँ के थाने में सच SHO थे ये कौन थे जिनसे बात हुई, देन उनके कहने पर वो शाम को आती हैं, बयान लेते टाइम भी भाई जब बता रहे कि ये सब हुआ, ये फालतू बकवास नहीं करनी, जितना पूछा जाए उतना बताओ सिर्फ, और लिख दिया बयान पूरा, देन ब्लैंक पेपर में साइन ले रही है भाई के। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि अगर आप कभी भी किसी भी थाने के अंदर आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो बयान लिखने का मतलब ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर जो भी बयान दे रहा है, चाहे वो एक पन्ने का हो, दो पन्ने का हो या 10 पन्ने का हो, आपका काम है लिखना और आप चुपचाप लिखिए। ये नहीं कि आप किसी को सलाह दे कि ये नहीं ये बताओ, ये नहीं ये बताओ। तो ये तो साफ तौर पे जो है किसी भी पुलिस अधिकारी का ये हक नहीं है, और कोई भी प्रशासन जो है ये हक और अधिकार पुलिस को नहीं देता कि वो जो है समझाए कि आप इतना बोलो और ये बोलो। उसके बाद क्या होता है, देन वो फिर मुझे भाई को बोलते हैं कि ब्लैंक पेपर पर साइन करो, जहाँ पे बयान पर साइन करवाते हैं उसके पीछे ब्लैंक पेपर था, हमने मना कर दिया। तो कहती है कि मैं बुराड़ी से अपोलो बार बार नहीं आऊँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं फ्री नहीं होती हूँ। देन फिर ये बात हुई, मैंने कहा मैम अभी तो आपका काम है। देन जब वो बयान पर साइन लेने थे तब मैंने कहा मैं पहले पढ़ूंगी, खड़ी खड़ी पढ़ तो रही हो, क्या कर रही इतनी देर से, मतलब ये उनकी वर्डिंग थी, बहुत ही रूडली बात करना, ये सब हो गया। बयान लेके चली गई, बयान में चेंजेस थे, बयान में लिखा हुआ है कि इसको बाद जो है आपकी FIR लिखे 5 दिन बाद लेने आई है, वो भी रिक्वेस्ट करके कि मैडम प्लीज आ जाओ। 5 दिन बाद जब आपने FIR लिखवा दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप कहाँ गई? कुछ भी नहीं हुआ, अब तक मेरे पास इवन फोन भी नहीं आया, मैंने कल ही फोन किया था अपनी IO को भी, कुछ फोन नहीं है। एक मुझे पता चला कि एक MHRC नाम की चीज होती है जो महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, वो लिखवाते हैं कुछ, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो उसके अंदर उनका कोई फोन नहीं आया अब तक, आज पूरा मंथ हो गया यहाँ पर, कोई फोन नहीं है कि हमें वो MHRC करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा आगे से। और जो बयान में उन्होंने लिखा कि इसको, मेरे भाई को आज होश आया तो मैं आज बयान लेने आई हूँ। उन्होंने अपनी साइड सेव कर ली। एक बात बताइए, ठीक है पुलिस का रोल तो हमने दिखा दिया, समझा दिया कि पुलिस जो है किस तरह से काम कर रही है और वो आप लोगों के साथ किस तरह से सलूक कर रही है। यहाँ पे बात करें कि आप जब DTC ऑफिस में जाने की कोशिश की, वहाँ पे मिलने का आपने काम किया, तो वहाँ पे आपके साथ किस तरह से रवैया रखा गया, क्या आपका हेल्प किया गया? अब तक तो कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले जहाँ पे सारे मार्शल्स की भर्ती हुई थी, भाई की हुई थी, तो सिविल डिफेंस के ऑफिस में, जो SDM ऑफिस है अलीपुर का, पहले मैं वहाँ पर गई। देन वहाँ पे मुझे DM से मिलने ही नहीं दिया। DM मैडम बहुत ज्यादा बिजी हैं, जो हमारे लिए बनी है पर वो हमारे लिए काम नहीं कर सकती हैं, जो मुझे सुनने को मिला वहां से। और उनकी मीटिंग चल रही है, मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े, रोई भी हूँ कि भाई मेरे भाई का इतना बुरा हो गया, मैंने उनको बताया कि उनका पैर कट गया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और ऑन ड्यूटी हुआ है। तो उनके जो आगे लोग खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ तो लोग मर जाते हैं, तुम्हारे भाई का सिर्फ पैर कटा है। इतनी बड़ी बात, ये जो है एक DM के शब्द थे, DM के जो आगे लोग होते हैं उन्होंने मुझे बात बोली ये वाली। अच्छा। और मुझे मिलने नहीं दे रहे। मैंने जब चिल्लाया तो मुझे कहते हैं बदतमीजी मत करो। मैं क्यों बदतमीजी ना करूं, जब मेरे भाई का पैर कटा है मुझे दिख रहा है, हम फाइनेंशियली इतने वीक हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। मैडम तो अपनी मीटिंग में बस व्यस्त है, पता नहीं कौन सी मीटिंगें चलती हैं उनकी ऐसी। मतलब आपको जो है मिलने नहीं दिया, नहीं दिया गया मिलने। मैं 2-3 बार गई हूँ, एप्लीकेशन लिख दी, एप्लीकेशन लिखो काम हो जाएगा, वो उसकी रिसीविंग दे दी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। मेडिकल के लिए आप लोगों को खर्चा मिला? कुछ खर्चा नहीं मिला, जो काम किया हमने जितना, कि एक नॉर्मल इंसान के पास में इतना पैसा घर पे नहीं पड़ा होता, और हम कोई कमाने वाले इतने अच्छे नहीं थे। भाई कमा रहा था सिर्फ, मैं पढ़ रही हूँ, पापा मम्मी नहीं, वो तो घर में ही रहते हैं। तो जो सारा खर्चा किया है वो हमने कर्जे ले लेके किया, जितना खर्चा अब तक कर रहे हैं और जो आगे होगा, सब कुछ हमारा ऐसे चल रहा है। कोई हेल्प नहीं मिल रही, मतलब वो ऑन ड्यूटी काम कर, ऑन ड्यूटी सब कुछ हुआ। अगर किसी नॉर्मल बंदे का अभी किसी गवर्नमेंट बस से ऐसे एक्सीडेंट हो तब भी होगा क्या? अभी तो वो ऑन ड्यूटी था, तब भी कुछ नहीं, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा। देखिए भाई, किस तरह से जो है सवाल पूछा जा रहा है दिल्ली सरकार से। ये जो है भरत की छोटी बहन है और ये जो है दर बदर भटकी है। ना ही तो इनको IU का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही तो इनको DM का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही तो DTC से कोई सपोर्ट मिल रहा है। अब जरा सोचिए कि जो कैलाश गहलोत दिल्ली परिवहन मंत्री है, वो क्या कहेंगे इन शब्दों पे कि जो कहते हैं कि दिल्ली में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मार्शल खड़े कर दिए, आज इन मार्शल के साथ जो है कौन खड़ा है? एक बार और इनसे बातचीत करते हैं। एक बात बताइए, आपको जो है सैलरी कितना मिलता था? सर मेरे को 20-22 हज़ार सैलरी थी हमारी, 22,000 रुपये। हाँ, लेकिन क्या सर, आज के टाइम पे 20-22 हज़ार सैलरी थी, मैंने जितना खर्च, जितना मैंने इकट्ठा किया, 3-4 लाख रुपए, मैं 10-12 लाख रुपए अब तो मेरे पैर पे लग चुका है, मेरे पैर पे। किसी से आपने, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों से आपने बातचीत करने की आपने कोशिश की? सर मैंने कोशिश भी, मैंने फ़ोन भी किया अभी सामने से, मैंने फ़ोन किया अधिकारियों को सामने से, 5 दिन बाद तो मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी तक वो कोई मेरे से मिलने नहीं आए हैं। बस फ़ोन पे मैंने सामने से बोला, मैं, हम लोग जब निष्काम सेवा पे आते थे सिविल डिफेंस में, जब मैं निष्काम सेवा करता था, अपनी यहाँ की ड्यूटी करता था, DTC की यहाँ ड्यूटी करके, वहाँ ड्यूटी करके वहाँ भागता था, रात रात को वहाँ कावर की ड्यूटियाँ करी हैं, मैंने कावर की ड्यूटी करी है इससे पहले, मैंने भी रात को ड्यूटी करके आता था, फिर सुबह सुबह फिर वहाँ की ड्यूटी करने जाता था, सुबह वहाँ की ड्यूटी करने जाता था, पूरा दिन मतलब मैं तो अपना गुजार देता था, मैं कभी किसी चीज़ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और निष्काम सेवा में कुछ भी नहीं मिलता था, 1 रुपया भी उस चीज़ का हमें। लेकिन वो अधिकारी तक मुझे सिविल डिफेंस DTC का ड्राइवर था जिससे गलती हुई, क्या उसे सस्पेंड किया गया? सर सुनने में तो आया है, बाकी कंफर्म मुझे भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हुआ, क्या चल रहा है वहाँ पे। कंफर्म नहीं है आपको? कंफर्म नहीं है सर, वहाँ DTC में क्या चल रहा है अभी। अभी जो है आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको उन लोगों से? सर मैं यही चाहता हूँ कि मतलब मुझे, मेरे साथ जो भी बीत रही है इस समय, मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप के पापा जी इतने कमाने वाले नहीं होंगे, पैर में घुटने में गैप है, वो बेचारे चल फिरने में असमर्थ है, मैं ही घर कमाने वाला था। मैं यही चाहूँगा कि मतलब जो मेरे पे खर्चा हो रहा है उसका देखा जाए, और आने समय मुझे नौकरी दी जाए, जो मतलब मैं घर का पालन पोषण कर सकूँ, जिससे अपने घर वालों माँ बाप को तो वो कर सकूँ मैं। देखिए ये 27 साल के युवक है और ये जो है लगातार
अब सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि जिस तरह से इनके साथ हुआ, कम से कम इन्हें उम्मीद थी कि जो सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग मिलने आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो डीटीसी का कोई अधिकारी, कोई मंत्री साहब के रिश्तेदार या कोई मंत्री साहब के पीए जो है इनसे मिलने आएंगे, इन्हें जो है संतावना देंगे कि आप जो है भरत टेंशन मत लीजिए, हम काम करेंगे। लेकिन सीने पे ठोक ठोक के अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चिल्लाते हैं कि डीटीसी को उन्होंने ठीक किया, दुरुस्त किया, तो उसी तरह से जो है इन लोगों को भी बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की ही है। वो भी दिल्ली सरकार के ही हिस्से में आते हैं जो अपना सेवा दिल्ली के लोगों के लिए देते हैं। वाकई में जो है ये दृश्य आपको अंदर से हिला देगी, रूह कपा देगी कि एक लड़का जो है वो किस तरह से आज बेड पे पड़ा हुआ है, जो घर का सहारा था वो अब घर के सहारे पे जिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।